नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आप सभी जानते हैं कि आज राजस्थान SI का लास्ट एग्जाम था और 3 दिन यह एग्जाम चला है, जिसमें आज लास्ट था। इसके GK की हम आंसर की लेकर आए हैं, जो एग्जाम अभी हुआ है 3 से 5 की सेकंड शिफ्ट में। GK का एग्जाम जो हुआ है उसके सभी प्रश्नों के सही आंसर हम आपको बताएंगे, और यदि 1 या 2 प्रश्नों के आंसर गलत भी हो जाते हैं तो उनको हम अगली वीडियो में सही करके बता देंगे। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर 2, 120 दिन का। निम्न में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो जीवाणु होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है, बाकी सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। निम्नलिखित में कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो A, B और C, वैश्विक तापन, प्राकृतिक वास का खंडन और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम है? तो विक्रम है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। भारतीय COVID-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक टेम्परेचर रेंज क्या है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ है? केवलार, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, जिसका नाम है दिशारी मोबाइल ऐप, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही है? तो जोधपुर में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? तो झालावाड़ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सही होगा। 4th, राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो B और C दोनों कथन सही है और ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न सूचक स्थान के पर कौन सा अंक आएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 71। दोनों दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि संख्याएं क्या हैं, तो 12 और 48 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न रीजनिंग से पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में क्या है? एक कथन और उसके नीचे 2 तर्क दिए गए हैं, कौन सा उत्तर सही होगा? तो केवल 2 तर्क प्रबल होगा, तो इसलिए केवल पहला जवाब सही होगा जिसमें सेकंड प्रबल दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक कूट भाषा में प्लांट को QMBOU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है? रीजनिंग का प्रश्न है, तो सही जवाब होगा UPZPUB, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, दिए गए पाई चार्ट में इसका उत्तर देना है प्रश्न का, अगर आप किसी शहर में कुल वयस्क 60,000 है तो कितने लोग बेरोजगार है? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, 3,000 लोग बेरोजगार हैं। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक कितने थे? 2000, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, मूलधन निकालना था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रीजनिंग से पूछा गया है, तो इसमें है, न तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 दोनों कथन का अनुकरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न करंट से पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने निम्न में से किस टीम को हराया? तो कांस्य पदक के लिए जर्मनी को हराया, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एम्लेक्स नामक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में विकसित किया? तो IIT रोपड़ ने, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। एक कक्षा में विद्यार्थियों के अंक दिए गए हैं और रेंज निकालनी थी, तो सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करना था, तो सही जवाब होगा 87। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न सूचक के स्थान पर क्या हुआ आएगा? अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी, UNSC की अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत व संगीतकार व गायक निम्न में से कौन रहे हैं? AR रहमान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश के हैं? तो मालदीव के हैं। अगला प्रश्न है, किस
भारतीय संगठन संस्थान ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने की है। जुलाई 2021 में आयोजित हुई 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, भारत ने की थी। भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया। राजस्थान के किस जिले से है? राजसमंद जिले से है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन मंत्रालयों का प्रभारी बनाया है? तो बी और सी करेक्ट होगा, पर्यावरण वे वन जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार। ऑप्शन नंबर बी और सी का सही जवाब होगा 1। राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो उन्हें तत्काल सहायता 1,00,000 रुपए की दी जानी है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है? तो यह प्रश्न बिहार पीसीएस में भी पूछा गया था, तो आत्मनिर्भरता ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों में कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा हुआ है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ए, सी और डी, तीनों कथन सही है, बी कथन गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की 13वें लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारट की चेतावनी राज चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी? तो उनका नाम था, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा, महाराणा फतेह सिंह। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेजर बर्टन। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3। बनीठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? कल भी प्रश्न पूछा गया था बनीठनी से, निहाल चंद। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? तो 1459 ईस्वी में की। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? तो नसीराबाद से प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अबानेरी स्थित हरवंत हर्षत माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? तो भगवान विष्णु को समर्पित था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। संत मीराबाई का जन्म स्थल कुड़की वर्तमान में राजस्थान के पाली जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है, तो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। रांगड़ी और निपाड़ी उप बोलियां हैं किसकी? मालवी की। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो पर्वतसर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। लोक देवता गोगाजी की जन्म स्थली है ददरेवा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में महावय वर्ष में विलय हुआ, तो नवंबर 1948 में हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। अगला प्रश्न है, मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? तो पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक दंड है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण जानने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चीन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? मंदाकिनी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। पूसा सिंधु गंगा किस फसल की किस्म है? तो गेहूं की फसल की किस्म है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? तो ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर सभी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो यह प्रश्न परसों भी एग्जाम में पूछा गया था, बहुत आसान प्रश्न है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो माही नदी के बेसिन में स्थित है। और यूरेनियम केंद्र को राज्य से मिलाना है तो दोमिया सियात कहाँ है? मेघालय में है। लंबापुर आंध्र प्रदेश, रोहिली राजस्थान और गोगी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए
कूटों का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए, तो सही जवाब होगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, संरक्षित क्षेत्र और जिला स्थान को मिलाना है और पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो उम्मेदगंज अजमेर से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 2001 से 11 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी, तो गंगानगर की, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही, तो यदि 9 दिसंबर 1946 से देखें तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है, तो केवल ए, सी और डी, गांधी सागर बांध स्थित नहीं है, तो इसलिए बी जवाब गलत होगा। राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, तो जालोर को, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें विकेंद्रित शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। किसवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है, ग्राम खंड जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन, तो अगला प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका 3 जवाब गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मानव अधिकार आयोग में क्या कथन सही है, तो ना तो 1 ना 2, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। निम्नांकित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है, तो वन, झील, नदी और वन्य जीव, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा जो मूल कर्तव्य के तहत सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा, तो जगजीवन राम का, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए मुखबिर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है, बढ़ी हुई राशि की कितनी है, तो 3 लाख रुपए है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में कौन सा कथन सही है, तो ए, बी और सी तीनों कथन सही है, बाकी डी कथन गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अगला प्रश्न है, किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है, तो जयपुर जोधपुर में विद्यमान है। वर्ष 2000 यह प्रश्न, इस प्रश्न का भी सही जवाब हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि इस प्रश्न पर हमें अभी डाउट है। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया, अगस्त 2020 को, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई महिला सशक्तिकरण लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है, गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति है $66.81। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक MOU किनके मध्य निष्पादित हुआ, तो राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व कहलाता है निस्पंदन स्फीति, स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है, तो 5.70 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है, तो
तो हस्तांतरण भुगतान जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। राजस्थान में सेवा क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस उपक्षेत्र की वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सबसे अधिक जिम्मेदारी है? व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या था? 2.73 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? तो बीकानेर नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ऑप्शन नंबर 4 सही है। केंद्रीय बैंक मंदी या अपस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का निम्न प्रयोग करता है? खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है और लास्ट 5 प्रश्न बचे हैं। एक फ्यूज तार की क्या विशेषता है? उच्च गलनांक और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम आने वाला अर्धचालक पदार्थ है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन द्वारा विकसित की गई, इसमें पूछा गया है कि एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया गया है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है रुद्रम फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो जीएसटी नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई? 18 दिसंबर 2019 को। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।